फ्रेंड्स, फिर से आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और देख सकते हो अभी मैं यहाँ किचन में खड़ी हूँ और अभी मैं ना यहाँ पे जो स्टोव है मैं स्टोव को क्लीन करूँगी अभी। और चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आप सबको। और इधर देखिए जो है मैं दरवाज़ा से अभी बंद करके रख दिया हूँ क्योंकि अभी 4:30 बज चुके हैं और शाम होते ही हम मच्छर घुस जाते हैं, तो इसीलिए देखिए यहाँ दरवाज़ा वगैरह मैंने लगा दिया है। तो ये देखें यहाँ मैंने दरवाज़ा सब बंद कर दिया है और इधर है अभी 4:30 बज रहे हैं तो थोड़ा बहुत धूप है यही, तो इसीलिए अभी चलिए मैं अभी घर के काम करती हूँ और बच्चे दोनों जो है अभी घर के अंदर हैं। तो इधर देखिए बेड वगैरह मैंने यहाँ बना दिया हूँ जो है, मेरा बच्चा अभी इधर खड़ा हुआ है। और आज ना मतलब जितना मेरा टेबल जो है अभी साइड में ला दिया हूँ और शाम को जो हम लोग जैसे फैन चलाते हैं ना तो टेबल जब इस साइड था टेबल को मैं वहाँ लेके रख दिया हूँ अभी, क्योंकि शाम को यहाँ लाना पड़ता है पीछे में। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो इधर सेलिंग फैन जो है, हम लोग का सेलिंग फैन जो है वो हम लोग खोल के रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए अभी मैं स्टोव को यहाँ पे साफ करने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और आज मैं आप सभी से मिडिल क्लास फैमिली की सिंपल सा इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। तो यहाँ देखिए अभी मैं गैस स्टोव को साफ कर रही हूँ। तो कई बार होता है ना खाना बनाने के टाइम ना खाने की चीज़ें गिर जाते हैं, अगर इसको साफ नहीं करते हैं ना तो गंदगी इसमें बैठ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ दोपहर को खाना बनाने के बाद तो उस टाइम साफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन शाम को मेरा रूटीन है किचन और मैं स्टोव को ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो हम लोग दोपहर का खाना 2:30 बजे तक खा लेते हैं, इसके बाद हल्की नींद लेने के बाद मैं 4:30 बजे से अपने इवनिंग का जो जितना भी काम होता है मैं करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मेरा ना किचन में काम शुरू होता है, जिस तरह से मॉर्निंग भी मैं उसी तरह करती हूँ, लेकिन आजकल मैं क्या करती हूँ ना मॉर्निंग में पहले बाहर सभी झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर काम रहता है ना तो किचन में ही होता है क्योंकि यहाँ जो छोटे छोटे सामान होता है ना वही सब फैला रहता है। तो इसी तरह मैं ना हमेशा किचन को ही थोड़ा सा मैं मतलब टाइम देती हूँ। और यहाँ देखिए मेरा जो स्टोव है वो पोछना हो गया था, तो चलिए अभी मैं इसका जो फ्लैट है उसको मैं साफ़ करती हूँ। और ये ना बहुत दिन हो गया मेरा जो स्टोव है वो बहुत मतलब 5 साल से ज़्यादा हो गया है, तो अभी तक देखिए चल ही रहा है और अभी तक न्यू है। भाई साफ़ हो ना हो लेकिन किचन साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी जितना भी हम लोग मतलब शाम का जो काम होता है ना छोटे छोटे, इन्हीं कामों में ना मतलब टाइम निकल जाता है, जिस तरह सुबह में टाइम देना होता है ना शाम को भी मतलब इसका आधा टाइम देना होता है। तो यहाँ देखिए ये जो ड्राई कपड़ा है ना उसे मैं प्लेटें सबको अभी पोछ रही हूँ, क्योंकि ये जो गीला रहता है ना तो उसमें नीचे जो बर्नर है ना उसमें आ जाता है पानी, तो इसीलिए हमेशा ड्राई कपड़े से पोछ के ही मैं इसमें लगा लेती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा से क्लीन हो गया है और अभी ना मतलब ये बिल्कुल न्यू ही लग रहा, नहीं लग रहा कि ये 5 साल पुराना स्टोव है। तो अभी देखिए अभी जो शाम का खाना होता है ना ये मैं 7:30 बजे तक बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में रात का खाना थोड़ा जल्दी ही बनाते हैं। तो अभी देखिए बच्चे लोग को मैं 8:30 बजे तक खिला भी देती हूँ और 9 बजे तक दोनों को सुला भी देती हूँ। तो आज मैं ना यहाँ नमकीन बनाने वाली हूँ, तो रात को हम लोग यहाँ खाना नहीं खाते, तो देखिए बच्चे लोग के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है उन लोग को क्या मन करता है खाने का, तो डेली ये सब नहीं बनाती हूँ और कभी कभी बनता है। तो यहाँ देखिए अभी ना ये मैदा था तो इसको मैंने मतलब पहले मिक्स करके रखी हुई थी और कुछ देर इसको मैं रेस्ट दिया था, और अभी देखिए थोड़ा सा ना आटा मेरा गीला हो गया था तो इसी वजह से देखिए ये अच्छा से कट नहीं हो रहा था और यहाँ ना थोड़ा सा चिपक भी गया था। और ये देखिए मेरा जो बेटा है खाने के लिए रेडी है, वो देख रहा था कब बनेगा। और बच्चे सब ना ये सबसे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है खाने में, और मेरा बच्चे ना जो छोटा वाला है वो मतलब बहुत पसंद करता है नमकीन को। तो ये देखिए मेरा जो नमकीन है अच्छा से बन चुका था और बच्चे लोग खाने वाने के बाद ना देखिए अभी मैं जो है थोड़ा जो बेडरूम है ना उसको मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। तो ये जो टेबल है ना छोटा सा जगह है, इसी में बुक है, नीचे में कपड़ा है, तो सबको अभी मैं समेट के रख देती हूँ। और भले रूम छोटा है लेकिन होता है ना इन छोटे छोटे सामान से ही मतलब इधर उधर बच्चे लोग का जो घर होता है ना फैला देते हैं, तो मतलब शाम को भी इसी तरह ना मुझे पूरा क्लीन ही करना होता है पोछने के अलावा। और ये देखिए अभी मैं ना यहाँ फ़ैन को सेट कर रही हूँ, तो अभी गर्मी का टाइम जो आ गया ना फैन लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मच्छर तो मत बोलिए, मच्छर बहुत
मतलब इसमें हम लोग को परेशान करता है, तो इसी वजह से मैं फ़ैन चला लेती हूँ। अभी थोड़ा बहुत ठंड लग रहा है, लेकिन जैसे हम लोग ब्लैंकेट के अंदर आएंगे ना तो गर्मी लगना चालू हो जाता है। तो ये जो हल्का हल्का मतलब हवा लगता है ना तो बहुत अच्छी नींद भी लगती है, तो इसी वजह से यहाँ मैं फ़ैन चला देती हूँ। और अभी शाम के 8 बज चुके हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी को मिडिल क्लास फैमिली के